बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल, सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटा दूसरे। लास्ट टाइम सिक्स क्लास में एक्सरसाइज नंबर 11.3 की थी हमने, आज एक्सरसाइज नंबर 11.4 है। एक्सरसाइज नंबर 11.4 जो है हमारे पास वो है ट्रेपीजियम से मुतालिक। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो क्वाड्रिलेटरल हो, यानी चार कोनों वाला हो। एक ये रहा इसका कोना, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है, जिसमें एक पेयर हो पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइन मींस ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को कहीं पर टच ना करें। देखें, इस वाली लाइन को जहां तक मर्जी बढ़ा लें और इसको जहां तक मर्जी बढ़ा लें, ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। वाइल ये वाली लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करा सकती है, नो इशू। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल यानी चार कोनों वाली एक ऐसी बंद शक्ल जिसके अंदर एक पेयर हो पैरेलल लाइंस का, यानी पैरेलल लाइंस हो, दो हो, सारी नहीं, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था कि सारी की सारी पैरेलल होती हैं, उसको हमने नाम, इसको हम कहेंगे L1, इसको लंबाई को हम कहेंगे L2, इनके दरमियान जो फासला है इसको हम कहेंगे D, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो हमारे पास फार्मूला होगा वो हो जाएगा 1/2D (L1+L2), यानी L1 और L2 को प्लस करेंगे। अच्छा, आप इसको L2 भी कह सकते हैं और इसको L1 भी, नो इशू। इसको L1 ले लेंगे, इसको L1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो सवाल के अंदर हमें जिक्र करेगा लेंथ का, वो कहेगा साइड लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। यानी पैरेलल साइड्स मीन क्या होगा कि वो लाइनें जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो आपस में टच नहीं करा रहे, उनमें उनकी लेंथ ये है। एक को आप L1 ले लेंगे, एक को L2 ले लेंगे। डिस्टेंस का वो डी जो है वो डी डिस्टेंस के नाम से हमें देगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/2D (L1+L2). देखें, वर्ड्स प्रॉब्लम करवा रहा हूँ इसके वजह से, इस पूरे चैप्टर में हमने किए हैं वर्ड्स प्रॉब्लम ही किए हैं सिर्फ, बाकी सारा आप खुद करेंगे। तो जो फिगर्स वाले सवाल हैं उनमें L1 और L2 और डिस्टेंस दिया हुआ है, आप फार्मूले में पुट करते जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। फिगर में क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। देखें, वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि जो लेंथ है वो पैरेलल साइड्स की है, एक 19 मीटर और एक 24 मीटर। यहाँ पे L1 और L2 जो आपने लेने हैं, एक बात याद रखेगा, तमाम वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर वो होंगे हमारे L1 और L2 जिसके दरमियान में एंड का लफ्ज आएगा। एंड से हट के जो तीसरी चीज आएगी उसको वो नाम देगा डिस्टेंस का, और वो हमारे पास यहाँ पे है 14 मीटर। के पैरेलल साइड्स आर 19 मीटर एंड 24 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 मीटर। डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास है 14 मीटर। सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। L1 है हमारे पास 19 मीटर, L2 है हमारे पास 24 मीटर, D है हमारे पास 14 मीटर। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2D (L1+L2), 1/2D की प्लेस पे 14, L1 19, L2 24, 1/2 14, 13 का 3 43। अब देखें, इस 2 को इससे भी कट करा सकते हैं और इससे भी, लेकिन इससे कट उस वक्त करेंगे जब आप ये प्लस कर लेंगे। प्लस से पहले यानी कि ये यहाँ नहीं कटा सकता, 2 1s are 2 12s are, ऐसे गलत हो जाएगा। 2 1s are 2 7s are 7 multiplied by 43 43 multiplied by 7 7 3s are 21 का 1 2 7 4s are 28 or 2 30 301 मीटर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेपीजियम हैज 20 मीटर एंड 35 मीटर। ये देखें, उसने 20 मीटर और 35 मीटर एंड का लफ्ज आ गया, यानी कि एक L1 और एक L2। L1 20, L2 35। इट्स पैरल एंड इट्स डिस्टेंस, ये देखें डिस्टेंस कितना आ गया, 16 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला था, वन ओवर टू डी इंटू एल वन प्लस एल
टू, डी हमारे पास 16, 20 प्लस 35, 5 का आया 5, 3 और 2 हो जाएगा 5, 55, 2 वन्स आर 2, 8 इज आर 8 मल्टीप्लाई बाई 55। या आप पहले सारे को मल्टीप्लाई करके एंड पे भी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 फाइव आर 40, 8 फाइव आर 40 और 4 44, 440 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं कराया, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेपीजियम प्लेग्राउंड हैज लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। ये देखें, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स और ये दो आ गई, मैंने इसके बीच में सैंड का लव्स कट करा दिया है, 120 एंड 80 मीटर। यानी L1 यहाँ पे क्या है 120, L2 है 80 मीटर, डिस्टेंस के साथ वो लिख रहा है 45, तो डी हमारे पास है 45 मीटर। वो कहता है फाइंड कास्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ कास्ट, हमारे पास क्या है यहाँ पे ₹25 पर मीटर का स्क्वायर। अच्छा, अब आप एक चीज और देखें, कास्ट मैंने आपको कहा है कि वो अगर किस चीज में दे रहा है, मीटर स्क्वायर में, तो जो कास्ट मीटर स्क्वायर में दी जाती है वो ऑलवेज फाइंड कहाँ होती है, एरिए पे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फार्मूला है, 1/2 D इंटू L1 प्लस L2, 1/2 45, 120 प्लस 80, 1/2 45 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 200। 45 देखें 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, मैं उसको कट कर देता हूँ, 2 वन्स आर 2, 45 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो जाएगा 4500 का मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब कास्ट है यहाँ पे, कास्ट का क्या फार्मूला होगा, कास्ट रेट मल्टीप्लाई बाई एरिया। कास्ट रेट क्या है 25 मल्टीप्लाई बाई 4500, 4500 25 0 0 25 का 5, 2 20 और 22, 2 0s are 2 0s are 2 5s are 10 का 0, 1 2 4s are 8 और 1 9, 0 0 5 2 11, 1 1 2 5 0 0 कास्ट है। तो ये रुपीस में लिखी जाएगी, यानी कि उसका जो उसने ट्रेपीजियम प्लेग्राउंड को बराबर करने के लिए जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये जो कास्ट पूछी थी फ्लोरिंग रेट के, उसके फर्श लगाना वो कितनी होगी, वो हमारे पास कास्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूरा वर्ड्स प्रॉब्लम है, मैंने डेटा निकाला, वो क्या कहता है फाइंड कास्ट ऑफ अ कारपेंटिंग ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड प्लेग्राउंड व्हेन लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड, यानी L1 और L2 हमारे पास आ गई, कास्ट आ गई और डिस्टेंस आ गया। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 D इंटू L1 प्लस L2, 1/2 D हमारे पास 9, 7 प्लस 17, 1/2 9 इंटू 24 हो जाएगा, 7 प्लस 7 14 का 4, 1 कैरी 1 प्लस 1 2, 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 9 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 नाइन्स आर 108 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया उसका एरिया, उसने कास्ट पूछी है तो कास्ट क्या होगी, कॉस्ट रेट मल्टीप्लाई बाई एरिया, यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाई 108, 108 32, 2 8s are 16 का 6, 1 carry 2 0s are 0 or 1, 1 2 1s are 2, 3 8s are 24 का 4, 2 3 0s are 0 plus 2, 2 3 1s are 3, 6 5 4 3,
थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कास्ट है तो रुपीज़ में आएगी। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11.4 जिसके अंदर हमने ट्रेपीजियन से मुतालिक सवाल सॉल्व किए हैं। ट्रेपीजियम आपको बता दिया कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसी चार कोनों वाली शक्ल होती है जिसके अंदर दो लाइनें पैरेलल होती हैं और बाकी दो लाइनें एक दूसरे को टच करा जाती हैं। तो उसका फार्मूला क्या है एरिया मालूम करने का, 1/2 d (l1+l2). l1 और l2 याद रखिएगा आपने, वो लेना है जो वो कहेगा लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड और उनके अंदर में एंड का लफ्ज आएगा। और तीसरी वैल्यू कास्ट, कास्ट हमेशा वो रुपीज में देगा और जो डिस्टेंस होगा उसके साथ डिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। इन सवालों का अच्छी तरह से होमवर्क करें, होमवर्क करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।